नमस्कार बच्चों, आज हम संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। संधि के कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद थे, आज हम स्वर संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कितने होते हैं? पांच। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ संधि होती क्या है। जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ आ ई ई उ ऊ हो और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि अ आ ई ई और उ हो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि हो, तब ये दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं? आ। ये दोनों मिलके आ, ई ई मिलके ई बन जाता है और उ मिलके ऊ बन जाता है। ठीक है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि दोनों मिलकर क्रमशः आ ई और ऊ बन जाते हैं। कैसे? देखो, ए प्लस आ, आ बन गया, आ प्लस अ, ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद है, आ और अ, आ बड़ा आ, फिर बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा, सारे मिलके क्या मिल गए? ये आ। अब देखो, इधर प्रथम पद और ये है उत्तर पद। प्रथम पद मीन्स पहला पद, उत्तर पद मीन्स दूसरा पद। अब प्रथम पद में क्या है? ये मत, तो ये अ है और ये उत्तर पद का भी अ है, दोनों अ हैं, दोनों मिलके क्या बन गए? आ। तो ये मत प्लस अनुसार क्या हो गया? मतानुसार। क्या हो गया? ये मतानुसार। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि दोनों मिलके क्या बन गए? आ। तो मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। अब देखेंगे, यथा प्लस आद, ये प्रथम पद और ये उत्तर पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है हमारी? आ। और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या है हमारी? ए। दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो यथा प्लस अर्थ मिलके हमारा क्या बनेगा बच्चों? यथार्थ। ओके, अब देखें, फिर वही आ गया, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है हमारी? आ। क्या है? आ। और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि आ, दोनों मिलके क्या बन रहा है हमारा? ये भी आ बनेगा। तो विद्या जमा आलय हमारा क्या बन जाएगा? विद्यालय। ओके, विद्यालय। ये दोनों मिलके क्या बन गया हमारा? यहाँ आ बन गया ना, विद्यालय। अब देखेंगे, पुस्तक जमा आलय। अब प्रथम पद में पुस्तक, अब ये क्या है? यहाँ भी ए है और ये भी आ है, ए और आ दोनों मिलके क्या बनेंगे? फिर आ। पुस्तक जमा आलय हमारा मिलके क्या बन गया बच्चों? पुस्तकालय। ओके, अब ये देखेंगे, इधर ई वाले, छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिलके क्या बनेगी? बड़ी ई। फिर बड़ी ई जमा छोटी ई मिलके भी क्या बन जाएगी हमारी? बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी क्या बनेगी? ये वाली ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी क्या बन जाएगी हमारी? बड़ी ई। ठीक है, अब इसके हम प्रथम पद क्या है हमारा? अभी। और उत्तर पद क्या है? ईस्ट। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ, ई आ रही है हमारी, ये छोटी ई, और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि ये भी हमारी क्या आ रही है? ई। तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगी? बड़ी ई। ओके, अभीष्ट, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन जाएगी? बड़ी ई। छोटी ई और छोटी मिलके क्या बन गई हमारी? ई बन गई। तो क्या हो गया? ये अभीष्ट। अब ये देखेंगे, मही, बड़ी ई आ रही है इसमें, ये मैं प्लस ए प्लस है प्लस ई, ये ऐसे इसको तोड़ते हैं हम। ठीक है, तो ये बन गई, बड़ी ई आ रही है हमारी इसमें, तो ये ही। और यहाँ छोटी इंद्र, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि दोनों मिलके क्या बनेगी? ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या बन गई हमारी? बड़ी। मही प्लस इंद्र हमारा क्या हो गया? महिंद्र। क्या हो गया? महिंद्र। ओके, अब ये देखेंगे, रजनी प्लस ईश, अब ये बड़ी ई और बड़ी, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि दोनों मिलके क्या बन गई? बड़ी। तो रजनी जमा ईश क्या हो गया हमारा मिलके? रजनीश। ओके, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी, छोटी ई बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई जाएगी, छोटी ई छोटी ई मिलके भी बड़ी ई होगी और छोटी ई बड़ी ई मिलके भी बड़ी होगी। अब ये देखेंगे, गिरी जमा ईश, ये भी छोटी ई और ये बड़ी ई, दोनों मिलके क्या हो गई? बड़ी ई। तो
तो गिरी जमाईश क्या हो गया हमारा, गिरीश। ओके समझ आ गया ना यहाँ तक। अब ये देखेंगे ऊ वाले, ऊ है ना ये, ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। अब छोटा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ। अब इसमें देखिए प्रथम पद क्या है हमारा, सु, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है हमारी, ऊ, और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या आ रही है हमारी, छोटा ऊ। दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा ऊ। तो सु जमा उक्ति हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ति, क्या हो जाएगा, सूक्ति। अब ये देखेंगे वधु जमा उत्सव, इसमें क्या है बड़ा ऊ और इधर छोटा ऊ, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि, दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा ऊ। तो वधु जमा उत्सव हमारा क्या हो गया, वधुत्सव, क्या हो गया, वधुत्सव। भू जमा ऊर्जा, तो ये भी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि, दोनों मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो भू जमा ऊर्जा हमारा क्या हो गया, भूर्जा। ओके अब ये देखेंगे अंबु जमा ऊर्मी, तो छोटा ऊ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमारी ऊ है और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या है हमारी, बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बन गए, अंबूर्मी, अंबूर्मी। ओके ये हमारा बन गया अंबूर्मी। गुण संधि, जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ आ हो और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि अ ई ई उ या ऋषि हो, तब वे दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर बन जाते हैं। ओके क्या बन जाते हैं, ए ओ और अर। प्रथम पद की यानी पहले पद की आखिरी ध्वनि आ हो और उत्तर पद की पहली ध्वनि ई, बड़ी ई उ या ऋषि हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए ओ और अर बन जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, गुण संधि कहते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, अ प्लस ई, ए और छोटी मिलके बन गया ए, आ और ई मिलके बना ए, छोटा आ और बड़ी ई मिलके बना ए, बड़ा और बड़ी ई मिलके भी क्या बना ए। ठीक, अब इसके देखो देव प्लस इन, प्रथम पद क्या है हमारा देव और उत्तर पद क्या है इंद्र, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमारी क्या है ए और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या है ई, दोनों मिलके क्या बन गया हमारा देवेंद्र। के ए और ई मिलके क्या बनाया हमारा, ए बन गया देवेंद्र। अब यथा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है हमारी आ और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या है ई, आ और ई मिलके क्या बन गया फिर ए, यथा प्लस ईस्ट यथेस्ट, यथेस्ट। ठीक है, आ और ई मिलके क्या बन गया हमारा, ए बन गया। अब देखेंगे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है हमारा, नर जमा ईश, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमारी अ और ई, दोनों मिलके क्या बन गया ए, नर जमा ईश क्या हो गया हमारा, नरेश। आ और ई मिलके क्या बन गई ए। अब ये देखेंगे रमा जमा ईश, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि फिर आ और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि ई, आ और ई मिलके क्या बन गया ए, तो रमा जमा ईश क्या हो गया हमारा, रमेश। के आप देखेंगे ये, फिर ये देखो अ और उ मिलके क्या बने हमारे, ओ, बड़ा और छोटा उ मिलके भी हमारा बना ओ, बड़ा छोटा और बड़ा उ मिलके भी बना हमारा ओ। ओके और बड़ा आ और बड़ा उ मिलके भी बना हमारा ओ। अब इसके देखें वीर प्लस उचित, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमारी क्या है आ और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या है उ, आ और ऊ मिलके क्या बने हमारे ओ, वीर जमा उचित का हमारा क्या बन जाएगा, वीरोचित, वीरोचित। अब ये देखेंगे परीक्षा जमा उपयोगी आ, ठीक है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि ऊ, आ और ऊ मिलके बन गए ओ, परीक्षा जमा उपयोगी मिलके हमारा क्या बन गया, परीक्षा छप्योगी, वन मिनट, परीक्षोपयोगी क्या बन गया मिलके, परीक्षो
पयोगी। ओके, आ और उ मिलके ओ बन गया ये। अब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि फिर अ और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि उ, जल जमा उर्मी, तो क्या बन गया, जलोर्मी, जलोर्मी। ओके, अ और उ मिलके ओ बन गया, गंगा जमा उर्मी। फिर वही प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि, ये आ और ये उ, ये दोनों मिलके फिर क्या बन गए, ओ। तो गंगा जमा उर्मी मिलके क्या बन गया, गंगोर्मी। ओके, समझ आ गया ये वाला इतना आपको। अब इसके बाद देखेंगे अ और ऋषि मिलके क्या बना, अर। फिर आ और ऋषि मिलके भी क्या बना, अर। अब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हमारी अ है और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ऋषि। तो राज जमा ऋषि मिलके हमारा क्या बन गया, राजर्षि, राजर्षि। ओके, ठीक है। अब ये देखेंगे महा जमा ऋषि, फिर ये प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि री, तो दोनों मिलके क्या बन गए हमारे, महर्षि। ओके बच्चों, आपको मुझे ये समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट आपका ये हम वृद्धि संधि नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, जब तक आप इसको रिवाइज करें और इसको ध्यान से समझें। ओके।